कल बीती रात को जो भोली गांव के अंदर जो घटना हुई इसके बारे में। कल रात्रि 9 बजे के लगभग थाना आसीन के गांव धोली से ग्रामीणों की सूचना आई कि दो व्यक्ति रात्रि में गांव धोली में आकर एक छोटे से बच्चे को उठाकर ले जा रहे थे। इस पर गांव में हल्ला हुआ और ग्रामीण इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों ने उन दोनों व्यक्तियों को वहां रोककर और उस बच्चे को उनसे प्राप्त किया और उसके बाद भीड़ वहाँ हिंसा में बदल गई और भीड़ ने उन दोनों के साथ मारपीट की। थाने पे सूचना आई तो यहाँ से थाने से जीप और जाप्ता गया। थाना का जाप्ता जब वहाँ पहुँचा तो भीड़ द्वारा हिंसा में मारपीट कर रहे थे, तो पुलिस ने उन दोनों युवकों को भीड़ से छुड़ाया और गांव में समझाइश करी और पुलिस फिर उन दोनों युवकों को लेकर अस्पताल राजकीय चिकित्सालय आसीन में आई और उनको भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस संबंध में आज प्रकरण दर्ज किया है और हिंसक भीड़ द्वारा जो उन युवकों के साथ बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए जो मारपीट करी है, आज श्रीमान एसपी साहब ने सुबह एडिशनल एसपी साहब गंगापुर साड़ा के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। एसएचओ वासीन थानाधिकारी करेड़ा ने टीमों में गांव धोली पहुंचकर आरोपियों घर पर दबिशें दी और पुलिस ने अब तक 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो भीड़ के द्वारा हिंसा में जो मारपीट करी है आरोपियों को, उनमें से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल जो मारपीट के अंदर जो घायल हुए हैं जो व्यक्ति, वो अभी फिलहाल कहाँ है? कल 2 व्यक्तियों के साथ ग्रामीणों ने जो मारपीट की रात्रि में, उनको राजकीय चिकित्सालय अपने आसीन लाया गया इलाज हेतु। फिर इनका यहाँ पे प्राथमिक उपचार किया गया किंतु उनके कुछ चोटें अधिक होने से फिर उनको जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा रेफर किया गया, जहाँ सुबह श्रीमान एडिशनल एसपी साहब मौके पर पहुँचे और उनसे मेडिकल के बारे में बातचीत हुई, डॉक्टरों से बातचीत की और पुलिस ने उसमें प्रकरण दर्ज करके ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।